बहुत खुश हूँ मैं। मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, थोड़ा बहुत किया था, बट ये जो मैं जी रहा हूँ ये हर एक आर्टिस्ट का ये सपना होता है। मैं सपना जी रहा हूँ और मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मैं ये भी मेरे पापा यूट्यूबर बन गए हैं। कहते यूट्यूब पे बहुत पैसा तो मैं भी व्लॉग बनाऊंगा। अच्छा कितना मिस किया खानजादी बाबू, बहुत बहुत एक्चुअली मैं बहुत मिस किया मैंने, और मुझे लगा था वो फिनाले पे आएंगी बट वो नहीं आई, और फैमिली को मैंने कम किया। बट खानजादी ये था कि फिनाले पे आएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके अलावा कोई और जीतता तो मुझे ज्यादा दुख होता, क्योंकि हमारा एक बॉन्ड, मैं उसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता था, और वो जीता तो इतना बुरा नहीं लग रहा है, बट अगर उसके अलावा कोई और जीतता तो शायद बुरा लगता, बट अपने लिए बुरा लग रहा है। पर जब मैं बाहर निकला और आप सबने इतना ज्यादा प्यार दिखाया जैसे आप अभी भी दिखा रहे हो, तो ऐसे लगता है कि मतलब ट्रॉफी चाहे वो लेके गया कि पर मैं जीत गया हूँ। लव यू भाई, लव यू। वैसे अभिषेक कोई और से आपका मतलब अंकिता लोखंडे तो नहीं है? कोई और जितने भी थे, अंकिता जी ने कोई भी, मतलब हम दोनों के अलावा कोई भी हो तो थोड़ा सा ज्यादा दुख होता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा किसी और ने कुछ ज्यादा इनपुट दिया है। क्या बात है अभिषेक, एक ऐसा मोमेंट आया जब आपने थप्पड़ मारा समर्थ को, तो उस वो मोमेंट आपका क्या था, वो उसमें दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि जिस पर आपका हाथ उड़ गया, ये मोमेंट क्या था, सोच के मारा था या कि उठ गया? नहीं सर, मैंने कुछ सोच के नहीं मारा था, वो इतनी ज्यादा पोकिंग कर रहा था और पता नहीं कहाँ किस लेवल पे जा रहा था, और फिर उसने जो टिश्यू मेरे मुंह में डाला तो रिएक्शन कब निकला मुझे समझ नहीं आया, और मैं उस चीज़ के लिए बहुत बिल्कुल भी प्राउड नहीं हूँ, और हमने वो बिग बॉस के घर में सॉर्ट कर लिया, तो मैं उस चीज़ पे कोई बात भी। लेकिन अभिषेक बाहर आके सपोर्ट देखा आपको, जितने भी इंडस्ट्री से सपोर्ट मिले हैं, क्योंकि कई सारे लोगों ने इंडस्ट्री से ट्वीट करके आपके सपोर्ट में कहा था कि अभिषेक के साथ गलत हुआ है उस वक्त पे, उस ट्वीट को देखा आपने? मैंने इतने ट्वीट्स नहीं देखे हैं अभी मेरे को, क्योंकि इतना फोन चलाने का टाइम नहीं दिया है। एक्चुअली मैंने चलाया बट इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाया, ट्वीट्स मैंने ज़्यादा देखे नहीं है, क्योंकि मैं लेट आया था, फिर सो गया, फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, और मेरे दोस्त जो सब हमेशा सपोर्ट करते रहे मेरी जो भी भाई ट्विटर पे थे भी नहीं, इन्होंने ट्विटर बनाया मुझे, अब मैं देखने लगा अच्छा ये अच्छा, मुझे आज पता चला, कल पता चला था कि वो एक्स वाला ट्विटर का साइन है, मैंने कहा अच्छा ये ट्विटर है, तो अभी मैं देखूंगा, और मुझे ये पता चला रितेश सर ने मेरे लिए लिखा था कि क्या लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, माय हार्ट गोज आउट फॉर अभिषेक, तो क्या मतलब मेरा दिल निकल के मेरा दिल पसीज गया। तो रितेश सर थैंक यू सो मच, और मतलब अच्छा लगता है इतने बड़े बड़े नाम आप तो जानते हैं कि हाँ यहाँ तक पहुँचे।